आपको मेरी हालत देख के लग रहा होगा जैसे पता नहीं मैं बीमार हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्रॉपर ठीक हूँ। दरअसल वजह ये है कि 2 से 3 दिन हो गए हैं मेरे घर वाले मेरे पीछे लगे हुए थे कि नीचे वाली शॉप है उसे साफ कर दो, तो लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं था। आज मैंने कहा चलें साथ व्लॉग भी बनाते हैं, साथ शॉप को भी साफ करते हैं, तो चलें फिर शुरू करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। ये दरअसल पहले मेरी ही शॉप होती थी ये वाली, लेकिन जब ये ख़त्म हुई तो उसके बाद जो यहाँ पे सामान वगैरह आ गया, तो यहाँ पे बाइक भी अब खड़े होते हैं इस जगह पे, वो मैंने निकाल के बाहर खड़े कर दिए। इसी तरह अभी सामान की भी सफाई करनी है, तो चलें हम शुरू करते हैं। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले करते हैं गाड़ी के अंदर खड़ा, मैंने निकाली थी किसी रीज़न की वजह से लेकिन वो प्लान नहीं बन सका, सबसे पहले इसको अब अंदर खड़ा करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो शुरू करते हैं एक न्यू व्लॉग। अभी जो काम की सूरत हाल है वो ऐसी है कि मैं ये वाला सामान बाहर निकाल चुका हूँ ये सब, और ये वाला निकालना रह गया। ये स्टेबलाइजर है, ये हमने देना है मैकेनिक को क्योंकि ये ठीक करवाना है, इसका कोई इशू है, ये ठीक करवाने के लिए बकाया ये सारा सामान निकलेगा अभी बाहर, उसके बाद झाड़ू लगेगा, उसके बाद साफ होगी, उसके बाद जाके हमारा काम कम्प्लीट होगा। अभी मैंने सिर्फ चीज़ें बाहर निकाल ली और आप भी मेरे कपड़ों की हालत देख सकते हैं जो कि बहुत बुरी हो चुकी है, लेकिन क्या कहते हैं काम तो कंप्लीट करना पड़ेगा। ये देखें, ये आप जो वीडियो देख रहे हैं इसके देसी जुगाड़, ये मैंने चौपाई पे कैमरा लगाया हुआ था, साथ में इसके यूज़ कर रहा हूँ ये वाला स्टूल। चलें फिर शुरू करते हैं, जो काम रह गया उसको जल्दी जल्दी से कंप्लीट करते हैं। बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अभी हम जो काम करके भी थक गए थे तो हमने कहा पहले थोड़ा अपनी क्विक ड्रिंक ले लेंगे, उसके बाद आगे काम चलाएंगे। अब शुरू करते हैं आगे काम। काम मुझे पहुंच चुका है यहाँ तक कि ये सफाई आप देख सकते हैं, ये मैंने झाड़ू वगैरह लगा दिए यहाँ से, ये सारा झाड़ू लग चुका है। और ये जो आप दाग नज़र आ रहे हैं वो ये है कि मैंने यहाँ पे पहले बिछाया था कालीन, कालीन जब लगाया था वो हमने लगाया था समझ बोन के साथ, जब वो उतारा हमने तो इस तरह के फिर दाग आ गए, लेकिन कोई बात नहीं। अब ये सामान हमने रखना है, ये वाला जो सामान है ना, इस सामान को हमने दोबारा इधर सेट करके रखना है। तो चलें फिर शुरू करते हैं काम, ताकि जल्दी जल्दी ख़त्म करें और अपना भी हालात दुरुस्त करें, क्योंकि इस टाइम खुद तो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुका हूँ और मेरी हालत भी बहुत ज़्यादा टायर्ड होने लग रही है। तो चलें जी इसका सामान लेते हैं। जी ये हम सारा सामान तकरीबन रख चुके हैं, अभी ऊपर से सामान लेके आना है और वो भी रखना है। हमने भी सारा अच्छे बच्चों की तरह कलेक्ट करके सारा गंद जो था वो इसमें डाला है ये, और अब ये सारा हमने फेंकना है वो सामने, वहाँ पे वो कचरा फेंका जाता है वहाँ पे आप फेंकेंगे इसको, लेकिन ये है कि यहाँ पर हम सफाई कर चुके हैं। कुछ स्टेबलाइज़र था वो जो ठीक करवाना था वो हम ले आए हैं, वो इनको दे दिए, तो ये अब ठीक होगा तो ये लेके जाएंगे।
मेरे सारे काम हो चुके हैं, तो इस व्लॉग को यहाँ पे ही एंड करते हैं क्योंकि अब मैंने सोने हैं। न्यू कंटेंट के साथ, न्यू व्लॉग के साथ अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।